बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट। आई होपफुल के आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि पीके पुलिस कांस्टेबल की तमाम तर इंफॉर्मेशन के तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं ऑल ओवर द केपीके, उनके फ़िज़िकल टेस्ट कब होंगे। उसके बाद बात करेंगे कि आप लोगों के फ़िज़िकल टेस्ट वाले दिन कौन कौन से टेस्ट लिए जाएंगे। अच्छे रनिंग के हिसाब से अगर आप लोग कितने टाइम के अंदर अपनी रनिंग कंप्लीट कर सकेंगे और आप लोगों की टाइमिंग क्या होती है, यानी कितने आप लोगों ने फिट भागना होता है, वो मैं तमाम तरह डिटेल आपको समझाऊँगा। इंशाल्लाह आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा बात करेंगे कि फ़िज़िकल और टेस्ट वाले दिन आप लोगों ने क्या क्या लेकर जाना है। इसके अलावा तमाम तरह इंशाल्लाह फ़िज़िकल टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों के फ़िज़िकल टेस्ट वाले दिन कौन कौन से टेस्ट होंगे। तो याद रहे कि जो मेल हैं, मेल के फ़िज़िकल टेस्ट वाले दिन 3 टेस्ट होंगे, फीमेल के 2 टेस्ट होंगे। मेल का फर्स्ट जो टेस्ट होगा, सबसे पहले आपकी हाइट को मेजर किया जाता है, या तो आपकी चेस्ट को, फिर आपकी चेस्ट को। नंबर 2, जिन कैंडिडेट्स की हाइट और चेस्ट क्लियर हो जाती है, देन उनको रनिंग के लिए भेजा जाता है आगे। नेक्स्ट, फीमेल के लिए जस्ट उनकी हाइट चेक की जाती है, जिन कैंडिडेट फीमेल की हाइट पूरी होती है उनको रनिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि टेस्ट वाले दिन आप लोगों ने क्या लेकर जाना है अपने साथ। टेस्ट वाले दिन आप लोगों ने सिर्फ एक अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेकर जाना है, अदरवाइज़ आप लोगों को सेंटर से वापस किया जाएगा आप लोगों को, अगर आपके पास आईडी कार्ड ना हुआ तो। तो जो फीमेल्स होती हैं या मेल्स होते हैं, उनकी हाइट जो है वो इस तरह मेजर की जाती है जिस तरह आप लोगों को पिक्चर में नज़र आ रहा है, ठीक है जी। मेल्स किस तरह की जाती है, तो इसके बाद मैं आप लोगों को छोटी सी एक बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये वीडियो देख लें थोड़ी सी, किस तरह के जो मेल्स की हाइट एंड जो है चेस्ट मेजर की जाती है, उसके बाद मैं आप लोगों को तमाम तर डिटेल बताने वाला हूँ। ये ज्यादा है, देखो साढ़े 9 कर देंगे, 9.5 ही है, 9 है, 9.5, 9.5, हाँ 9.5 है। आप लोगों ने देख ली, उसके बाद अब मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ मेल के, मेल एंड फीमेल की जो रनिंग है वो कितनी कितनी है। रनिंग के जो बात है, मोस्टली कैंडिडेट्स की रनिंग में फेल हो जाते हैं, तो याद रहे आप लोगों ने आज ही से प्रैक्टिस शुरू करनी है। बग़ैर प्रैक्टिस के आप लोग कभी भी अपनी रनिंग कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर आप लोग 2 से 3 मिनट भागेंगे, आप लोगों की सांस फूल जाएगी और आप लोग वहीं पर बैठ जाएंगे, आपका फ़िज़िकल टेस्ट क्लियर नहीं होगा, देन आप लोग रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो आप लोग यहीं से फेल हो जाएंगे। सबसे जो मेन काम आप लोगों ने करना है, वो आप लोगों ने आज ही से अपनी प्रैक्टिस फ़िज़िकल टेस्ट की स्टार्ट करनी है। जो मेल के लिए जो दौड़ होती है वो यहाँ पर देखें, 7 मिनट में 1 मील। अब 1 मील कितना होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, और फीमेल के लिए जो है वो 7 मिनट में 1 किलोमीटर। अब किलोमीटर और 1 मील में दोनों का आप लोगों को डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है जी। तो जो 1 किलोमीटर होती है जो फीमेल के लिए होती है, उसमें 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर के अंदर 3 फिट होते हैं, और इस तरह 1000 मीटर के अंदर 3000 फिट हो जाएंगे, यानी 1 किलोमीटर के अंदर 3000 फिट जो हैं वो आप लोगों के रनिंग आ जाएगी। और इसके अलावा 1 माइल जो फीमेल, जो मेल स्टूडेंट के लिए हैं, उन लोगों की 1609 मीटर उन लोगों ने भागना होता है, यानी 4827 फिट जो है उन लोगों की रनिंग होती है, ठीक है। ये तो आप लोगों का आ गया रनिंग का क्राइटेरिया और आप लोगों का फिज़िकल टेस्ट का क्राइटेरिया।
अब बात कर लेते हैं कि बाकी तमाम जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनके फिज़िकल टेस्ट कब से स्टार्ट होंगे केपीके पुलिस के अंदर। अच्छा जी, क्योंकि अभी जो फेज़ वन है, अभी फेज़ वन में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मानसेरा, एबटाबाद एंड बटाग्राम वाले जो हैं इनका फिज़िकल टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। बाकी इनके अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनको फेज़ों के अंदर डिवाइड किया जाएगा। फेज़ टू में फिर उसके बाद हरिपुर वाले आएंगे और उसके अलावा बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है जी, उनके फिर फिज़िकल टेस्ट स्टार्ट होंगे। इसके अलावा फेज़ टू में आई थिंक पेशावर भी आ जाएगा, बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं इनको फेज़ वाइज़ के अंदर डिवाइड किया जाएगा। तो जिनके जो हैं फिज़िकल टेस्ट 18 तारीख के बाद जो है इनके शेड्यूलिंग की जाएगी, इसी तरह आप लोगों को बता दिया जाएगा कि 18 तारीख से लेकर आप लोगों के 27 तक 28 तक जो जितने भी तारीख उनको जो है उनके हिसाब से ही, तो वो आप लोगों को बता देंगे तब से लेकर तब तक आप लोगों के फिज़िकल टेस्ट स्टार्ट होंगे। आई होपफुल कि ये मुख्तसर सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इसी तरह कोऑर्डिनेशन की वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।